आदाब, मैं मोहम्मद फारूक अंसारी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेस NCERT नई दिल्ली के ऑनलाइन उर्दू तरबियती कोर्स में आप सब तलबा व तालबात का खैर मकदम करता हूँ। ये कोर्स असलन सानवी और आला सानवी दर्जात के लिए मरतब किया गया है। उर्दू दुनिया में तेज़ी से मकबूल होने वाली एक ज़बान है। उर्दू हिंदुस्तान की सदियों की तारीख की अमीन है। ये हमारी तहजीबी विरासत का एक दिलकश नमूना है। इसके खमीर में हिंदुस्तानी और गैर हिंदुस्तानी अनासिर का हसीन इम्तिजाज है। अदबियात, फ़नून लतीफ़ा, मज़ाहरती उलूम और ज़राए इब्लाग के ज़रिए इस ज़बान का आवाम से मज़बूत रिश्ता कायम है। इसीलिए हिंदुस्तान के बेशतर सूबों के स्कूलों और कॉलेजों में उर्दू पढ़ाई जाती है। नए एदाद व शुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में उर्दू पढ़ने वालों की तादाद लाखों में है, लेकिन ज़बान की तालीम और तदरीस के लिए बेहद ज़रूरी है कि तदरीस के नए उसूलों को अपनाया जाए और हुकूमत हिंद के ज़रिए वज़ा किए गए रहनुमा उसूलों को मद्देनज़र रखा जाए। खुशी की बात है कि उर्दू असातिज़ा की बड़ी तादाद ऐसी है जो बाज़ाब्ता तरबियत के बाद तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रही है, लेकिन ऐसे असातिज़ा भी हैं जो किसी सबब बाज़ाब्ता तरबियत नहीं ले सके हैं। इसी बात को जहन में रखकर NCERT के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन लैंग्वेजेस ने इस कोर्स को वज़ह किया है, ताकि उन असातिज़ा और नए तलबा जो मुस्तकबिल करीब में उस्ताद बनने वाले हैं, उनकी उर्दू तदरीस की तरबियत मुमकिन हो सके। ये कोर्स 4 कोऑर्डिनेट अप्रोच को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया है। इसका पहला हिस्सा मतन है, दूसरा हिस्सा वीडियो लेक्चर, तीसरा सेल्फ असेसमेंट और चौथा लर्न मोर है। इन तमाम मशमूलात के तहत कोशिश की जाएगी कि तमाम तर मवाद की तदरीस और तरबियत हो सके। मेरे साथ इस कोर्स में उर्दू के नामवर असातिज़ा प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन, प्रोफेसर दीवान हनान खान, डॉक्टर समीउर रहमान, डॉक्टर काजिम अली भी मौजूद हैं, जिनसे आप इस्तेफादा कर सकेंगे। ये कोर्स 6 महीने का होगा। हर हफ्ते एक मॉड्यूल पेश किया जाएगा। मुतायना वक्त के बाद भी आप इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मॉड्यूल की मजमूई तादाद 22 है। हर मॉड्यूल के साथ सवाल और जवाब भी होंगे, जो हर हफ्ता आपको मुकम्मल करने होंगे। इसमें 4 वजाहती असाइनमेंट हैं जो वक्फे वक्फे से आपको दिए जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आप घर बैठे इस तरबियती कोर्स से मुस्तफीद हो पाएंगे। आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं। शुक्रिया।